सैंपलिंग थ्योरी के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में सैंपलिंग फ्रेम, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी हैं, अंडर कवरेज, ओवर कवरेज, सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग सर्वे, पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। इस पैरामीटर का एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, स्टैटिस्टिक इसका डिफिनेशन है। ये डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इस मटेरियल को प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक इसको प्रेजेंट किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यहाँ अरेंज किया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाऊंगा जिसका मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू प्रेजेंट किया। इस यूनिट का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पॉइंट है सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। यहां से आपको क्लियर होगा कि सैंपलिंग फ्रेम एक ऐसा लिस्ट है पॉपुलेशन यूनिट का जहां से सैंपल को ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हाउस होल्ड सर्वे, द सैंपलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रीट एड्रेसेस। हाउस होल्ड सर्वे के लिए जितने भी स्ट्रीट एड्रेसेस होंगे वो सारे सैंपलिंग फ्रेम कहलाएंगे। फॉर एग्रीकल्चरल सर्वे, द सैंपलिंग फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ ऑल फार्मर्स। जैसा कि यहाँ पर इस फिगर से क्लियर है, टारगेट पॉपुलेशन ये टोटल जो शो हो रहा है ग्रीन और रेड में, ये मेल और फीमेल को डिनोट करते हैं, ये हमारे टारगेट पॉपुलेशन है। इसी पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ किया जाना है। तो यहां से जब सैंपल को ड्रॉ करेंगे तो हमने पहले ही डिफाइन किया कि ये हमारा सैंपलिंग फ्रेम होगा, मींस लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इंक्लूडेड इन द पॉपुलेशन। तो हमारा इंटरव्यू करने का टारगेट मेल और फीमेल से है तो सैंपलिंग फ्रेम ये बॉर्डर लाइन हो जाएगा। अब इसके बाहर भी कोई मेल और फीमेल होंगे तो सपोज कि सैंपलिंग फ्रेम के अंदर में जितने भी यूनिट थे तो इनके अलावा जो बाहर के यूनिट होंगे मेल और फीमेल, उनसे अगर इंटरव्यू कर लिया जाएगा या उनको इस टारगेट पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वहां से सैंपलिंग एरर या नॉन सैंपलिंग एरर जेनरेट हो जाता है। वो कैसे होता है हम आगे के पॉइंट में इसको डिस्कशन करने वाले हैं, अभी आप इस छोटे से ओवरव्यू को बस समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं अंडर कवरेज, इसका मतलब होता है मेंबर और यूनिट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन आर एक्सक्लूडेड। इस टारगेट पॉपुलेशन में जो भी मेंबर होंगे या यूनिट होंगे वो अगर एक्सक्लूड कर दिए जाए तो वो कहलाएगा अंडर कवरेज। ओवर कवरेज क्या होगा कि मेंबर और यूनिट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड मोर देन वंस, जनरली ट्वाइस। मतलब कि इंटरव्यू करना था मेल और फीमेल से एक एक बार, लेकिन किसी एक मेल या फीमेल को एक से अधिक बार इंटरव्यू कर लिया गया तो ये कहलाएगा ओवर कवरेज। सैंपलिंग यूनिट बिल्कुल क्लियर है कि ए सिंगल एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सब्जेक्टेड टू द सैंपल्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट। इसमें जो दिख रहा है टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जितने भी ये इंडिविजुअल हैं ये सारे कहलाएंगे सैंपलिंग यूनिट। तो सैंपलिंग सर्वे क्या होगा, इट इज ए सर्वे कैरिड आउट ऑन ए प्रॉपरली चूजन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो टारगेट पॉपुलेशन के अंदर सैंपल का सिलेक्शन हुआ उनका सर्वे इस तरह से कंडक्ट करना कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का रोल प्ले करे, मींस कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स, दैट इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस इटीसी। जो पॉपुलेशन का मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, प्रोपोर्शन होगा तो वो कहलाएगा पैरामीटर, और पैरामीटर हमेशा पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है। Thus, we can say that parameter is a numeric value calculated from all the units in the population. जो पैरामीटर होगा वो पॉपुलेशन से एसोसिएटेड होगा और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, यहाँ से आप समझ सकते हैं
In a sample survey, we are mainly interested in the following parameters, which is population total, population mean, population variance, population coefficient of variation. We can see that all these are numerical values, which we have already understood that here parameter is a numeric value calculated from all the units in the population. Statistic क्या होगा? It is a function of sample observations. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, for example, sample mean small x bar, it is equal to 1 upon n summation xi. It is a statistic based on the sample data x1, x2, xn. जो population है, यहाँ से इस sample को draw किया गया, जिसमें कुछ इस टाइप के ऑब्जर्वेशन थे x1, x2, xn. तो जब इन सब का सम किया गया तो सम भी क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक. और इसका मीन क्या होगा? जो ऑब्जर्वेशन यहां से सिलेक्ट होंगे उन ऑब्जर्वेशन का मीन. और हाइपोथेसिस ये होगा कि जो इस सैंपल का मीन है वो टोटल पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल है सैंपल प्रोपोर्शन P is equal to x divided by n. It is a statistic based on x. It is the observed number of units having a specific characteristic in the sample. क्योंकि sample mean और sample proportion ये दोनों इस statistic के ऊपर based हैं, इसलिए statistic जो होगा वो function of random variable कहा जाएगा. तो parameter क्या होगा? एक numeric value, लेकिन statistic क्या होगा? एक random variable होगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक. यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एन इंटायर पॉपुलेशन, वेयर एज स्टैटिस्टिक इज द वैल्यू वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल. जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो बताया, एक सैंपल ये सिलेक्ट किया गया, सपोज इसी पॉपुलेशन से एक सैंपल और सिलेक्ट किया गया, तो इन दोनों का मीन आपस में डिफर करेगा. लेकिन इन दोनों का मीन इस तरह से होना चाहिए कि जो सैंपल हो वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए इन दोनों का अलग अलग मीन. लेकिन ऑब्जर्वेशन दोनों के अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक होगा वो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा. मतलब कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं. दस पैरामीटर इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू based on entire population and statistic varies sample to sample so that it is a random variable. Next point है sampling fluctuation. The differences in the values of a statistic observed for different samples are called sampling fluctuation. जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, इस example में difference between values of the number of observation, ये क्या कहलाएगा? Sampling fluctuation. In other words, since we know that statistic values vary sample to sample, the differences between these variations are called sampling fluctuations. यहाँ से आप note कर सकते हैं, बिल्कुल easy तरीके से इसके definition को लिखा गया है. कुछ remarks है, जिसमें first number remark है, a statistic t is equal to t x1 x2 xn. It is a function of random sample x1 x2 xn. इसको कुछ इस तरह से denote किया जाता है. For statistical validity, the statistic T should be unbiased estimate of population parameter theta. जो population parameter है, उसको हम denote करते हैं theta से, और expected value का मतलब होता है mean. तो जब mean से estimate करेंगे, तो इस sample statistic का value population parameter के equal आएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं, expected value of statistic is equal to parameter. A statistic T is said to be unbiased estimate of parameter theta. If एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, ये आप नोट कर सकते हैं कि अनबायसनेस के केस में जब टी को एस्टीमेट किया जाएगा तो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक. ए स्टैटिस्टिक इज ए रैंडम वेरिएबल. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज नोन एज इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जो स्टैटिस्टिक है वो रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होता है, और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वही सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज इट्स स्टैंडर्ड एरर. इस स्टैटिस्टिक के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एसडी,
वही कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर। इफ टी इज एनी स्टैटिस्टिक देन फॉर लार्ज सैंपल्स जेड इज इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ टी, ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0-1 को। ये कुछ इस तरह से आया कि इफ टी फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर देन टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ये फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विथ मीन 0 एंड वेरियंस 1। और इसी वेरियंस को स्टैंडर्ड एरर से एस्टिमेट करते हैं और ये फॉलो करता है उस केस में नॉर्मल 0-1 को। द डेविएशन टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कुड हैव अराइजन ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, दस स्टैंडर्ड एरर मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक। जो स्टैंडर्ड एरर है वो स्टैटिस्टिक के वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। और स्टैंडर्ड एरर का रेसिप्रोकल क्या होगा, इट इज टेकन एज द मेजर ऑफ रिलायबिलिटी और प्रेसिशन ऑफ द सैंपल। तो प्रेसिशन ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1/ स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक इसको अरेंज किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। वाइवा में और एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। सैंपल मीन क्या होगा, स्मॉल एक्स बार, और इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होगा, पी, और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या है, अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एस से, और स्टैंडर्ड एरर सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एन होगा। डिफरेंस बिटवीन मीन्स ये दो सैंपल होंगे और उन दोनों सैंपल्स के अलग अलग मीन का जो डिफरेंस होगा उसका स्टैंडर्ड एरर ये होगा, एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू, और ये सम अंडर रूट में होगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, जैसे यहां पर प्रोपोर्शन निकाला गया था तो दो सैंपल हुए, इन दोनों सैंपल के अलग अलग प्रोपोर्शन निकाला गया और उन दोनों प्रोपोर्शन का डिफरेंस। तो जिस तरह से डिफरेंस बिटवीन मीन था, सिमिलरली प्रोपोर्शन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसका स्टैंडर्ड एरर ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस पी टू क्यू टू डिवाइडेड बाई एन टू, और ये अंडर रूट में। सैंपल कोरिलेशन कोफिशियंट इसको डिनोट करेंगे रो से, और इसका स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन होगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिस्टिक और उसके स्टैंडर्ड एरर को मेंशन किया गया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिग्री कोर्सेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैंपलिंग थ्योरी के थर्ड लेक्चर का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 1 के नेक्स्ट सेक्शन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक इन सारे टॉपिक्स को नोट करके आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे किसी भी न्यू एक्टिविटी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।